मंदिर का प्रवेश द्वार, जय माँ धारी देवी। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम में और यहाँ पे देखिए दो पवित्र नदियों का संगम हो रहा है। जय हो। तो सामने पे देखिए मंदिर दिखने लग गया है और जो सामने वो गांव दिख रहा है वो धारी गांव है। माता के तीन रूप होते हैं। सुबह वाला जो रूप होता है वो होता है एक बच्ची का होता है, और जो दिन का रूप होता है वो एक औरत का होता है, और जो रात का रूप होता है वो होता है एक वृद्ध का। जय हो माँ धारी देवी। और माँ धारी देवी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आप सबको आशीर्वाद दे अपना। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केशव ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिव उप्रेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत, मेरे साथ हुए देव उत्तराखंड के इस प्यारे से शहर देहरादून से। तो दोस्तों अभी हम है पेट्रोल पंप के साइड, जो कि रिलायंस का पेट्रोल पंप है, और फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है नई ट्रिप की और जाने की। खैर जो सुबह सुबह जाना भी 3:30 ही हो रहे हैं, तो ट्रिप जो है वो कहीं और की है, बट अभी फिलहाल हम जा रहे हैं धारी देवी तक। तो अभी जो आज का ब्लॉग है वो धारी देवी का होने वाला है, तो माता के पास जा रहे हैं, तो आज आपको हम धारी देवी के दर्शन कराएंगे। तो अभी चलते हैं, और अभी मतलब हम लोग बहुत सुबह सुबह जा रहे हैं, तो मेरे साथ सचिन जा रहा है, मैं और सचिन जा रहे हैं साथ में, हम गाड़ी में ही जा रहे हैं। बाकी वहीं से हम दूसरी ट्रिप पर जाएंगे, तो वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी चलते आइए। और तो दोस्तों देखो अभी रात हुई है और सुबह नहीं हुई है अभी तक फिलहाल तो, और हम पहुंच चुके हैं नेपाली फार्म। तो अभी चलते हैं ऋषिकेश की ओर। तो भाई देख सकते हैं अभी से ट्रैफिक लग रहा है भाई, अभी तो बस सुबह सही से हुई नहीं है और अभी से ट्रैफिक लग रहा है। तो अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं ना, तो सुबह जितनी जल्दी हो सकता है आप जाइए जल्दी, मतलब गाँव गाँव जा रहे हो तो जल्दी निकलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जैसी सुबह होने वाली है देखिए अभी से ट्रैफिक है इतना ज़्यादा, बाद में तो क्या ही होगा। तो भाई देखो रोड बन रही है ना, इस चक्कर से इतना भयंकर ट्रैफिक लग रखा है, पूरा भयानक ट्रैफिक लग रखा है। तो अभी रोड बन रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस चक्कर से ट्रैफिक लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बयासी में, और अभी हमने यहाँ पे थोड़ा चाय पिया है, उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी निकल गए हैं। तो मतलब सफ़र जो आराम से चल रहा है, ट्रैफिक वगैरह भी कुछ नहीं है, बट जैसे देखते देखते ना तो ट्रैफिक भी बढ़ जा रहा है यार, अगर हम जल्दी जल्दी नहीं गए तो हम लोग को लेट भी हो जाएगा और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पहुँच चुके हैं देवप्रयाग संगम में, और यहाँ पर देखिए दो पवित्र नदियों का संगम हो रहा है। तो फिलहाल हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं मेरे पीछे संगम है। तो सुबह हो चुकी है, देख सकते हैं फाइनली धूप आ चुकी है, और अभी ना 7 बज रहे होंगे कुछ सुबह के, और देखिए क्या मस्त मौसम हो रखा है। तो आपको मैं नदियों के बारे में ढंग से बताता हूँ। तो आपको जो नदी दिख रही है ना, जो ये भागते हुए आ रही है भागीरथी है, और जो सामने से आ रही है वो है अलकनंदा। तो जो भागीरथी है वो आती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल होते हुए, और जो ये आपको नदी दिख रही है अलकनंदा वो होती है, वो आती है आपकी सतोपंत ग्लेशियर से चमोली रुद्रप्रयाग श्रीनगर से होकर के यहाँ पे आती है, और दोनों मिलकर के संगम बनाती है, और आगे जो नदी जा रही है वो माँ गंगा कहलाती है। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी जगह पे है ये, और बहुत ही प्यारे यहाँ लोग आना बहुत ड्रीम टाइप का होता है, क्योंकि यार इतनी प्यारी जगह पे आना कोई क्यों नहीं जाएगा। और देख सकते हैं कितनी प्यारी सी जगह है, कितना मस्त संगम है, और कहा जाता है कि संगम जो होता है पवित्र जगह होती है, मतलब यहाँ का जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। तो गंगा का सबसे पवित्र पानी संगम में ही होता है, तो जितने भी संगम है ना, पाँचों संगम पाँचों प्रयाग, तो यहाँ का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो अगर यहाँ का कोई पानी लेकर के जाए ना, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शुद्ध रहता है। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी जगह पे भाई। तो भाई देख सकते हैं आप, अभी हम संगम की तरफ है और जा रहे हैं हम श्रीनगर साइड। अब तो फिलहाल अभी हम टिहरी गढ़वाल में, जो देवप्रयाग है वो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, और इस साइड का जो पूरा एरिया है ना वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है। तो आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, तो नदियाँ ही डिवाइड करती हैं हर जगह को, जो क्षेत्र जैसे ये क्षेत्र आपको जो दिख रहा है ये टिहरी गढ़वाल में आता है, और वो जो क्षेत्र उस साइड वाला पूरा है वो आता है पौड़ी गढ़वाल। तो मतलब ये जो नदी है डिवाइड कर रही है पौड़ी गढ़वाल को टिहरी गढ़वाल से, और ऐसा काफ़ी आगे तक चलता है, मतलब काफ़ी एंड तक चलता है। फिर इसके बाद आ जाएगा रुद्रप्रयाग, मतलब श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो अभी देखिए फिलहाल हम जा रहे हैं आई की तरफ, तो अभी आपको मिलेंगे डायरेक्ट श्रीनगर की ओर। तो चलते हैं श्रीनगर, और आप लोगों को मिलेंगे श्रीनगर।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। वैसे तो अभी हम श्रीकोट साइड है, उस साइड है श्रीनगर। तो ये पूरा श्रीनगर और आगे सामने आपको जो दिख रहा है वो कीर्ति नगर है। तो फिलहाल हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं श्रीकोट साइड, और धारी देवी जो है वो माता का मंदिर अभी आने वाला है, यहाँ से थोड़ा आगे जा करके है। बाकी आप देखिए नीचे अलकनंदा नदी कितनी प्यारी दिख रही है, और जो पानी का फ्लो है वो कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बह ही नहीं रही होगी, बिल्कुल स्टिल है, मतलब स्थिर है बिल्कुल। और उस साइड पे कीर्ति नगर है पूरा एरिया, और उधर जाकर के श्रीनगर उस साइड, और ऊपर जाकर के पौड़ी के लिए रास्ता जाता है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं मंदिर की साइड, और यहाँ पे आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। तो अभी हमने प्रसाद लिया है। प्रसाद लेने के लिए आप कितने का भी प्रसाद ले सकते हैं, 100 से लेकर के जितनी आपकी श्रद्धा जितना चढ़ाना है उसके हिसाब से। बाकी अभी यहाँ पे दुकान पे आपको पार्किंग बुकिंग हर जगह मिल जाएगी, और नीचे जाने का रास्ता आगे से ही है, तो मंदिर सामने है। बस चलते हैं मंदिर की ओर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। बाकी देखिए मंदिर वहाँ है, ये देखिए क्या प्यारा मंदिर है। तो चलते हैं फटाफट से, वेट नहीं हो रहा भाई। तो भाई हम जाने लग गए हैं मंदिर की ओर। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जय माँ धारी देवी। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय हो। तो सामने पे देखिए मंदिर दिखने लग गया है, और जो सामने वो गांव दिख रहा है वो धारी गांव है। तो पीछे पे देखिए ये है धारी देवी का मंदिर, और बस प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से नीचे थोड़ा है। तो भाई आपको चप्पल जूते रखने की पूरी सेवाएं मिल जाएगी। बाकी बस मंदिर पहुंच चुके हैं। तो हम लोग फटाफट से पहले दर्शन करके आते हैं, फिर आप लोगों को दर्शन कराएंगे अच्छे से। तो भाई हमारे दर्शन अच्छे से हो चुके हैं, और देखिए कितनी भीड़ लग रखी है माता के दरबार पे। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी है कि ना भगवान के नाम पे अगर कोई मंदिर परिसर में आपसे मतलब बाहर के पैसे मांग रहा है तो ऐसा कुछ वो नहीं है, माता कोई धनराशि नहीं मांगती है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इतना बड़ा बड़ा, और अंदर भी काफ़ी कुछ लिखा था कि गूगल पे वगैरह के लिए कि कोई माता का अकाउंट नहीं है, उस पर कोई पैसे नहीं भेजने, या डोली लेकर के लोग आते हैं तो माता की डोली कहीं नहीं जाती है, तो भंडारे के नाम पर कोई पैसा मांगता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो आप यहीं पर दर्शन कर सकते हैं, और धनराशि आप अपने इच्छानुसार चढ़ा सकते हैं। तो भाई नीचे चलते हैं, हमारे दर्शन तो अच्छे से हो चुके हैं, अब फटाफट से नीचे चलते हैं, और आपको यहाँ पे एक पुल है ना उधर लेके चलते हैं। तो भाई हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम चल रहे हैं आए की ओर। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो माता के हैं वो तीन रूप रहते हैं। जो सुबह का रूप रहता है वो बच्ची का रहता है, जो दूसरा रूप रहता है वो दिन वाला रूप वो रहता है एक औरत का, और जो तीसरा रूप होता है वो होता है वृद्ध का, मतलब एक बूढ़ी औरत का। तो मतलब माता के तीन रूप हैं इधर पे, वो कहा जाता है ऐसा। तो यहाँ पे है पुल और आगे है धारी गांव। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, आपको पुल दिखाते हैं, बहुत प्यारी सी लोकेशन पे है भाई। यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, देखो क्या मस्त है, सस्पेंशन ब्रिज है पूरा। तो इस प्रकार के ब्रिज तो आपको ऋषिकेश वगैरह में, मतलब उत्तराखंड में आपको ज़्यादातर सस्पेंशन ब्रिज दिख ही जाएंगे। बाकी बहुत प्यारी सी जगह पर, मंदिर तो बहुत प्यारा है पीछे देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि
जो माता के तीन रूप होते हैं, जो सुबह वाला जो रूप होता है वो होता है एक बच्ची का होता है, और जो दिन का रूप होता है वो एक औरत का होता है, और जो रात का रूप होता है वो होता है एक वृद्ध का, मतलब वृद्ध औरत का, तो मतलब एक बूढ़ी औरत का। और बहुत देख सकते हैं तो तीन रूपों में माता यहाँ पे है, और कितना प्यारा मंदिर है। बाकी यहाँ पे देखो आगे धारी गाँव है, थोड़ा आगे तक चलते हैं, हम लोग भी दूसरी जगह जाएंगे अभी। बाकी देखिए अलकनंदा नदी के तट पे है ये, और कितना बढ़िया लग रहा है। जय हो माँ धारी देवी, और माँ धारी देवी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आप सबको आशीर्वाद दे अपना। भाई ये पुल ना भयंकर तरीके से हिल रहा है, मतलब खतरनाक तरीके से हिल रहा है, मस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत मज़ेदार है। आगे धारी गांव है, और इधर से आगे रुद्रप्रयाग पड़ जाता है। तो अभी हम पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, तो अभी हम पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, इस साइड टिहरी गढ़वाल है, और इससे आगे पड़ जाता है रुद्रप्रयाग। तो मंदिर यहाँ पे है, और मंदिर के दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। तो भाई और दिन मैंने हमेशा ना रास्ते में देखा था, जाते हुए कभी चमोली आते हुए, कभी रुद्रप्रयाग जाते हुए, लेकिन कभी सामने से नहीं दिख पाया था। इस बार मौका मिल चुका है मंदिर का दर्शन करने का, माता के दर्शन करने का, सारी अच्छी ब्लॉग को एंड करने की। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अभी मैं इससे आगे जा रहा हूँ दूसरी ट्रिप पे। तो मेन मोटिव मेरा दूसरी ट्रिप का भी था, और माता के पास आने का भी था। तो इससे आगे आपको ट्रिप दिखेगी, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वैसे है तो 20 किलोमीटर और ऊपर, उसमें आगे जा करके गेस करिए यहाँ से कौन सी जगह हो सकती है जहाँ मैं जाऊँगा, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले आपके लिए। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।